हैदराबाद के खोड रोड स्थित अग्रवाल कॉम्प्लेक्स पर व्यापारियों ने भूमि पूजन के समय किया श्री राम की आरती का भव्य आयोजन। यहाँ बता दी कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के खोड रोड स्थित अग्रवाल कॉम्प्लेक्स पर सभी व्यापारियों ने राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन के समय पर भगवान श्री राम की आरती का भव्य आयोजन किया, जिसमें सभी व्यापारियों ने आरती द्वारा राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपने भाव श्री राम के चरणों में अर्पित किए। व्यापारी जयदेव यादव ने बताया कि आज बहुत खुशी का दिन है, आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। मुरादाबाद में भी सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर आरती का आयोजन किया है और श्री राम मंदिर के निर्माण की जल्द कामना की है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव यादव है। जयदेव जी, किस तरह का प्रोग्राम आज किया जा रहा है? आज हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, जिसकी मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने प्रियजन को, सबको बधाइयां देता हूं, लख लख बधाइयां देता हूं। और आज मैं इतना हर्षोल्लास में हूं कि मैं शायद अपनी बाड़ी पर संतुलन भी नहीं है, और आज सिर्फ सुबह से श्री राम श्री राम श्री राम का नाम के अलावा और कुछ नहीं ले रहा हूं। और आज मैं इतना भक्तिमय होकर यहां पर, हमने अभी श्री राम के मंदिर के भवन के पूजन में हमने यहाँ पर राम आरती की, जिसमें हम सभी भक्तजनों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए, हनुमान जी के जयकारे लगाए, और भगवान राम का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसी से यही मनोकामना मैंने सपने पूरे देशवासियों के लिए की है। और साथ ही में आज भगवान श्री राम के आगमन के तौर पर जैसे भगवान का मंदिर तैयार हो रहा है, वही उम्मीद करते हैं उनसे, श्री राम से, कि इस जल्दी से महामारी को भी इसको हमसे दूर करें। ये कौन सी जगह है जहाँ आरती की गई? ये गुरट्टी पर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमने। किस तरह का हर्षोल्लास देखा जा रहा है अयोध्या में? यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो सड़क पर है वो भी श्री राम का पूजन कर रहा है हर्षोल्लास से, उनके किसी भी प्रकार से अपनी दुकान पर बैठकर ही राम नाम जप रहा है, या फिर इसी तरीके से कहीं उत्साह रूप में पंडाल लगाए गए हैं। और शाम को जैसे दीपोत्सव मनाया जाएगा, लाखों दीपक जलाए जाएंगे घर में भी और अपने व्यापार प्रतिष्ठानों पर भी। काफी समय बाद ये वक्त आया है, कैसा महसूस कर रहा है इस वक्त? शायद मैं और मेरी इस समय की जो पीढ़ी है, जो इस टाइम है, वो शायद ये सोच रहे हैं कि हम जब श्री राम ने सच में धरती पर अवतार लिया था, वही आज हम वही दिन महसूस कर रहे हैं कि शायद आज वही दिन है, वही भावनाएं हैं जो उस टाइम जब राम ने जन्म लिया होगा, आज से वही हम फील कर रहे हैं, जैसे उस समय में जो फील हुआ होगा या भावनाएं होंगी, आज हमारी भी सभी राम भक्तों की वही भावनाएं आज हैं।